गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिद्धिविनायक सुपरमार्केट असरन चौक व जी बाबा राप्ती नगर में स्थित शॉप में सिस्टम को ऑनलाइन रिमोट से एक्सेस कर इनवॉइस बिल को चेंज करके ठगी करने वाले चार अभियुक्तों मनोज मोती रमानी, आकाश श्रीवास्तव, राजू विश्वकर्मा उर्फ गोरख और अमन चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त इंदल लोना को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर सपा के पूर्व मंत्री व एमएलसी चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी की अध्यक्षता में सपा के पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। कहा, जनेश्वर मिश्रा ने हमेशा किसानों और गरीबों के लिए किया था संघर्ष। बीएसए रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में चल रहे दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव का हुआ समापन। जनपद के सभी बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दक्ष बनाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर सिविल डिफेंस के द्वारा चेतना तिराहे पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 50 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में भारतीय संस्कृत निधि इंटेक गोरखपुर अध्याय द्वारा खाना खजाना क्षेत्र के खाद्य विरासत पर पोस्टर तथा लेख प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 12 विद्यालय के बच्चों ने किया प्रतिभाग। प्रतियोगिता में अपने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। और रविवार को हजारों की संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर चढ़ाया पवित्र आस्था की खिचड़ी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। कहा, गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। शाहपुर थाने की पुलिस ने सिद्धि विनायक सुपर मार्केट असन चौक व डी बाबा राप्ती नगर में स्थित शॉप में सिस्टम को ऑनलाइन रिमोट से एक्सेस करके इनवॉइस बिल को चेंज करके ठगी करने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज मोती रमानी पुत्र मोहन मोती रमानी निवासी दिले चाकपुर किराए का मकान थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर। दूसरा आकाश श्रीवास्तव पुत्र अजय श्रीवास्तव निवासी हुमायूंपुर काली मंदिर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर। तीसरा राजू विश्वकर्मा उर्फ गोरख पुत्र प्रदीप विश्वकर्मा निवासी गीता वाटिका थाना शाहपुर गोरखपुर। चौथा अमन चौहान पुत्र स्वर्गीय भीम चौहान निवासी फातिमा हॉस्पिटल के सामने जंगल शालिक राम थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि सिद्धि विनायक सुपरमार्केट असरन चौक व जी बाबा राप्ती नगर में स्थित ब्रांच से अभियुक्तगढ़ द्वारा सुपरमार्केट के मैनेजर के साथ मिलकर ऑनलाइन रिमोट के जरिए सिस्टम को एक्सेस करके इनवॉइस बिल को चेंज करके रुपयों की हेरा फेरी कर काफी मात्रा में पैसा गबन कर लेना जांच से प्रमाणित होता है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में असन चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद साहनी, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार वर्मा, कांस्टेबल आशुतोष कुमार यादव, दिलीप कुमार यादव और धीश बिंद राम आशीष वर्मा शामिल रहे। गोला थाने की पुलिस ने हत्या में वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान इंदल लोना पुत्र जेठू निग्राम थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर चोरी व हत्या का मुकदमा दर्ज था, जो कि वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाना प्रभारी अश्वनी कुमार तिवारी, वरिष्ठ उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज चौरसिया, उरवा बाजार के हेड कांस्टेबल अनिल सिंह यादव, कांस्टेबल सतेंद्र भास्कर विकास कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा,
भाई? ये भाई लोग कहीं दिल्ली गए, कहीं कहीं किसी से बता रहे हैं। ये आज थाना गोला द्वारा सीओ गोला के नेतृत्व में एक 25,000 का वांछित अपराधी पकड़ा गया है, जिसका नाम इंदर लोना पुत्र जेठू है। ये एक मर्डर के मुकदमे में और एक चोरी के मुकदमे में वांछित था और इस पर 25,000 का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया था। इसको गिरफ्तार करने में आज क्षेत्राधिकारी गोला और थानाध्यक्ष गोला द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। बरामदगी कोई नहीं हुई है, लेकिन उससे पूछताछ जारी। ये आज दिनांक 22/1/2023 को थाना गगहा में और थाना गोला में एक वांछित अभियुक्त, जिसका नाम इंदल लोना पुत्र जेठू है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम है। ये एक हत्या के मामले में और एक चोरी के मामले में वांछित है और इसके साथ में हत्या के मामले में दो अन्य अभियुक्त थे, धर्मेंद्र और दूसरे अभियुक्त का नाम शशिकांत था। तो इसमें से शशिकांत की गिरफ्तारी हो गई है। धर्मेंद्र और शशिकांत दो, धर्मेंद्र अभी वांछित है और इंदर लोना की गिरफ्तारी आज की गई है। ये 2021 में एक हत्या हुई थी थाना गगहा में, उसमें ये तीनों लोग नामित थे और उसमें से ये इंदल, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम है, इसको आज गोला पुलिस ने क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी के बेदीहाता स्थित कार्यालय पर छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री व MLC चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में सपा के पूर्व मंत्री व MLC चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी ने बताया कि छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्र ने हमेशा किसानों और गरीबों के लिए संघर्ष किया। वह कहते थे कि यह लड़ाई छूट गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाए, हमें समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। जनेश्वर मिश्रा ने लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाया। वे सरल ढंग से गूढ़ सिद्धांत समझा देते थे। उनमें बड़प्पन था कि वे छोटे से छोटे कार्यकर्ता का काफी ध्यान रखते थे। उन्होंने कहा कि पैसों से नहीं, कर्म और सिद्धांतों से आदमी बड़ा होता है। संघर्ष, ईमानदारी और निष्ठा के बूते राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। नौजवानों को उनसे यह सीख लेना चाहिए कि हर गलत काम का विरोध करें। समाजवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो सच्चा लोकतंत्र कायम कर सकती है। MLC चुनाव में सभी साथी पूरे मनोयोग से लगे हैं और तैयारियों से लग रहा है कि इस चुनाव में सभी शिक्षित स्नातक मतदाताओं के दम पर यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। यह चुनाव हर हाल में जीतना है। इस अवसर पर सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मोहसिन खान, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, चंद्रबली यादव, प्रहलाद यादव, रजनीश यादव, जफर अमीन डक्कू, रूपावती बेलदार, जियाउल इस्लाम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पूर्व मंत्री व MLC चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी ने कहा, बोलवा लीजिए।
आज छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि है और उनका समाजवादियों के कुलबे में जो स्थान है और देश में गरीब कमजोर लोगों के लिए काम करने के लिए जो उनका योगदान है, हम लोगों को याद करते हैं और एक गुरु के रूप में हम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने समाजवाद का पाठ एक पूरी पीढ़ी को, बल्कि दो पीढ़ियों को इस तरह से पढ़ाया है और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराने का दिन है आज। इसलिए हम लोग आज छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती के लिए इकट्ठा हुए हैं और गोरखपुर कार्यालय पर तो हम आज उनको याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यालयों पर और अन्य सभी स्थानों पर उनकी पुण्यतिथि आज हम लोग मना रहे हैं। जी, आज अभी कार्यालय पर हमारे जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव होना है गोरखपुर मंडल, फैजाबाद मंडल के इस खंड का, उसकी तैयारी के लिए साथियों के साथ एक बैठक होनी है। जो हमारी तैयारी है उस तैयारी के संबंध में हर जनपद में अलग अलग प्रभारी भेजे गए हैं। गोरखपुर जनपद के लिए नेतृत्व में मुझे यहाँ साथियों के साथ काम करने के लिए भेजा है और हम आज इस संबंध में भी हम विचार विमर्श करेंगे और अपनी तैयारी को परखने का और उसको और सुदृढ़ करने का जो कार्य और प्रयास है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी साथियों से परामर्श करके हम आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव समाजवादी पार्टी भारी अंतर से जीतने जा रही है, मगर फिर भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है और उसमें कहीं कोई बात, कोई कमी अगर है तो हम लोग मिल बैठ करके उस कमी को दूर करने का, इसको और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। इस जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए आज एक तैयारी बैठक है हम साथियों। बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में चल रहे दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव का समापन हुआ, जिसके संबंध में बीएससी रमेंद्र सिंह ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव का समापन हुआ है जो कि दो दिवसीय था, जिसमें सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे विद्यालय को निपुण बनाया जाए और छात्रों के स्ट्रेस को दूर करके उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा छात्रों के गार्जियन को प्रेरित करके बच्चों को विद्यालय भेजकर सभी को निपुण बनाना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भाषा व गणित में जनपद के सभी बच्चों को दक्ष बनाना है और जहां कहीं भी अध्यापकों को फील्ड में समस्या आती है तो हम लोग जाकर उसका समाधान करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लीडर्स कॉन्क्लेव चल रहा है, दो साल मतलब दो दिवस का था, ये दो दिवसीय कार्यशाला थी। इसमें हम लोग अपने ERP को, डायट मेंटर्स को, SRG को और BO को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे डिस्ट्रिक्ट के न्यू हैं और ये हमारे एजुकेशन लीडर्स हैं, हमें कैसे विद्यालयों को निपुण बनाना है। तो आज हमारे यहाँ देवभूमि संस्कृति से हमारे प्रोफेसर श्री कृष्ण गोपाल शर्मा जी भी आए थे और हम लोगों ने इसमें इनको कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, क्षेत्र में कैसी समस्याएं आ रही हैं उसको कैसे मैनेज करना है, स्कूल्स में हमें अध्यापकों को कैसे मोटिवेट करना है, हम लोग इसी के ऊपर कार्यशाला कर रहे हैं।
जिससे हमारे ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अपने जब ब्लॉक में जाएं तो इनको इनके अंदर में जितने भी विद्यालय आते हैं इनके अंडर में सभी को ये निपुण बनाने में पूरा सहयोग करें। हाँ, इसमें हम लोग अभी एक प्लान भी बनाएंगे कि बच्चों को भाषा और गणित में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पॉलिसी है 2020 की कि कैसे प्रत्येक बच्चे को हमें दक्ष बनाना है कि वो भाषा और गणित में दक्ष हो, उसके लिए हम लोग प्लान बनाएंगे और उस प्लान का इम्प्लीमेंट करेंगे और जहां भी फील्ड में टीचर्स को कोई समस्या आती है हम लोग उसका समाधान करेंगे और पूरा सहयोग हम करेंगे उन टीचर्स का। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिद्धिविनायक सुपरमार्केट असरन चौक व जी बाबा राप्ती नगर में स्थित शॉप में सिस्टम को ऑनलाइन रिमोट से एक्सेस कर इनवॉइस बिल को चेंज करके ठगी करने वाले चार अभियुक्तों मनोज मोती रमानी, आकाश श्रीवास्तव, राजू विश्वकर्मा उर्फ गोरख और अमन चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त इंदल लोना को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर सपा के पूर्व मंत्री व एमएलसी चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी की अध्यक्षता में सपा के पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। कहा, जनेश्वर मिश्रा ने हमेशा किसानों और गरीबों के लिए किया था संघर्ष। बीएसए रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में चल रहे दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव का हुआ समापन। जनपद के सभी बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दक्ष बनाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर सिविल डिफेंस के द्वारा चेतना तिराहे पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 50 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में भारतीय संस्कृत निधि इंटेक गोरखपुर अध्याय द्वारा खाना खजाना क्षेत्र के खाद्य विरासत पर पोस्टर तथा लेख प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 12 विद्यालय के बच्चों ने किया प्रतिभाग। प्रतियोगिता में अपने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। और रविवार को हजारों की संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर चढ़ाया पवित्र आस्था की खिचड़ी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। कहा, गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिविल डिफेंस के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के पूर्व संध्या पर चेतना तिराहा स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नागरिकों ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में कोतवाली डिवीजन के स्टाफ ऑफिसर जितेंद्र देव उपाध्याय ने बताया कि जिन लोगों ने रक्तदान किया है वे अत्यंत पुण्य के भागी हैं। उनके रक्त से किसी न किसी को जीवनदान मिले। रक्तदान भी राष्ट्रभक्ति है, हमें निरंतर रक्तदान करते रहना चाहिए। हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने युवाओं से क्रांतिकारियों के सपनों का भारत के निर्माण में योगदान के लिए आह्वान किया। हम जैसे लोगों को समाज में जवानों की तरह सक्रिय भूमिका निभानी होगी। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। समाज को नई दिशा देने में योगदान देकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इस अवसर पर ब्लड बैंक की डॉक्टर निशा संतोष कुमार गर्ग, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, आनंद प्रकाश सिंह, रवि प्रकाश मिश्रा, राकेश कुमार जायसवाल, डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा, राकेश कुमार जुगनानी, नीरज कुमार सिंह, गौतम चटर्जी, रवि सौरभ सिंह, अभिनव जायसवाल, अनिल पांडे, विनोद सिंह, राजन चौरसिया, अक्षत शाही, अचित्य मिश्रा, दीपक यादव, तनवीर आलम, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, अर्पिता गांगुली, अनुष्का शालिनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिविल डिफेंस के कोतवाली डिवीजन के स्टाफ ऑफिसर जितेंद्र देव उपाध्याय ने कहा, ब्लड डोनेशन लिस्ट चला रहा है।
पूछवा ले रहे हैं, बोले कि आपकी गाड़ी देख रहे हैं वैन नहीं दे रहे हैं, वैन कर दिया बी आई डी का। अच्छा आ जाइए भैया, राकेश भी आ जाइए। जितेंद्र देव उपाध्याय नाम हमारा, ये हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से है, और हमारे साथ जो है सिविल डिफेंस कोतवाली डिवीजन भी जुड़ा हुआ है। हम दोनों लोग मिलके ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे रखा गया है, और अभी संख्या धीरे धीरे बढ़ी रही है। इस समय के लिए मैं नागरेश्वर अच्छा कोतवाली डिवीज़न का स्टाफ अफसर भी हूँ, और इसमें लायंस क्लब गोरखपुर यूनिवर्स का ट्रेजरार भी हूँ। भारतीय संस्कृति निधि इंटेक गोरखपुर अध्याय द्वारा खाना खजाना क्षेत्र की खाद्य विरासत पर पोस्टर तथा लेख प्रतियोगिता का महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसके संबंध में इंटेक के सह संयोजक अचिंक्य लहरी ने बताया कि इंटेक को भारतीय संस्कृति निधि कहते हैं। यह एक देश स्तरीय संस्था है जिसके द्वारा खाना खजाना नाम का प्रतियोगिता कराया जा रहा है। इसमें क्षेत्रीय जो हमारा खान पान है उस पर पोस्टर और लेख की प्रतियोगिता है, जिसमें शहर के 12 स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जो कक्षा 7 से 9 तक के बच्चों के बीच की प्रतियोगिता है। उन्होंने बताया कि हमारी जो संस्कृति है वह हमारी विरासत है, इसका अधिक से अधिक प्रचार और विस्तार करना उसी क्रम में जो इस देश का हमारा जो खान पान है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के क्रम में यह आयोजन किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर मुमताज खान और गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दिव्या रानी सहित अन्य छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंटेक भारतीय संस्कृति निधि के सह संयोजक अचिंक्य लहरी ने कहा, आज ये गार्जियन है वो है उनका भी है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि बिना आपके मार्गदर्शन के बिना ये कार्यक्रम हम लोग करने में खींच रहे होंगे, अन्य मैं सबका स्वागत करती हूँ। मैं उनके गार्जियन के रूप में बनाया स्कूल की अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और उनके मार्गदर्शन में अब तक इस प्रतियोगिता में इसमें 100 जोनल विनियर होंगे, 10 प्रिंसिपल विनर होंगे, और आज तक इंटेक गोरखपुर द्वारा करवाई गई किसी भी प्रतियोगिता में यह नहीं हुआ है। तो मैडम से रिक्वेस्ट है कि आज के इस टॉपिक पे कि खाना खजाना कैसे है, क्या है, हम सबों को कैसे इसे संरक्षित करना है और कैसे हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व होकर आज के आयोजन में पार्टिसिपेट करना है। अभी आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक पत्रिका रखी है, इसमें उतारेंगे तो बहुत सारे रंग निकल के आएंगे। क्या सोचते हैं आप इस विषय के बारे में, कितनी जानकारी रखते हैं और कितने क्रिएटिव ढंग से आप आके आते हैं कि नहीं आते, पहले ये बताइए। कितने लोग सुबह नाश्ता करके आते हैं, कितने लोग सुबह नाश्ता करके आते हैं, आप लोग हाथ उठाइए। आ जाए बहुत अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। अगर पोषण की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से हम देखें तो हमारा ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, राजा की तरह। अगर हम माय प्लेट की बात करें, आप अपनी भोजन की थाली की बात करिए, उसमें सबसे ज्यादा पोषण क्या होता है, तो विटामिन सी, जो बहुत सारे ऐसी चीजों का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर समझते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन यानी आयरन युक्त भोजन जब आप लेते हो, नहीं हो, प्रिकर्सर होता है। तो इसीलिए अगर आप आयरन रिच कोई भी चीज खा रहे हैं, अगर डॉक्टर की प्रेस्क्राइब की हुई गोली भी खा रहे हैं फॉलिक एसिड, तो उसके साथ आपको प्रोटीन और विटामिन सी है। क्यों? क्योंकि WHO कहता है कि एक स्वस्थ शरीर का मतलब खाली फिजिकल फिटनेस नहीं होती, मतलब आप शरीर से स्वस्थ हो, जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे तो कहाँ से स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अचिंक्य लहरी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटेक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, जिसको हिंदी में भारतीय सांस्कृतिक निधि भी कहते हैं। ये एक नेशनल संस्था है, इसके गोरखपुर चैप्टर द्वारा
आज खाना खजाना नाम का एक कंपटीशन कराया जा रहा है, जो कि क्षेत्रीय जो हमारा खान पान है उसके ऊपर बेस्ड एक ऐसे और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है। इसमें करीब शहर के 12 स्कूल्स प्रतिभाग ले रहे हैं। ये क्लास 7th से 9th के बच्चों के बीच का कंपटीशन है और हमारी संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो हेरिटेज है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, इसका अधिक से अधिक प्रचार और विस्तार करना, और उसी क्रम में हमारा जो खान पान है, जो इस क्षेत्र का, इस देश का खान पान है, ये उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के क्रम में आज का ये आयोजन किया गया है। गोरखनाथ मंदिर में रविवार को हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर खिचड़ी चढ़ाया। आपको बता दें कि परंपरागत रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर वर्षों से चली आ रही शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खिचड़ी चढ़ाने का क्रम शिवरात्रि तक चलता है। श्रद्धालु घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिर में जाकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते रहे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के गेट से ही पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि हम कई वर्षों से गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं और लगभग हर वर्ष मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ आने के बाद मन को सुकून मिलता है। गुरु गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से सारी मनोकामना पूरी होती है। हम खिचड़ी के साथ चावल, हल्दी, पैसा, नमक चढ़ाते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि मैं देवरिया से आई हूँ, मेरा सौभाग्य है कि गोरखनाथ बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ। गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था काफी अच्छी और सुदृढ़ है, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, आराम से लोग दर्शन कर ले रहे हैं। खिचड़ी के मेले में पहले मेरा स्टॉल भी लगता था, मैं पूरे महीने यही मेले में रहती थी। मैं यहाँ का स्टाफ भी रहा हूँ। दिल से जो भी गोरखनाथ जी से मांगो वह देर सवेर मुराद जरूर पूरी होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु नीलू गौड़, रुक्मणी श्रीवास्तव और गायत्री गौड़ ने कहा। Thank you.
कितने वर्षों से आप यहाँ गुरु गोरखनाथ के मंदिर आ गए? मतलब कि रेगुलर नहीं आ पाते लेकिन बहुत सालों से आ रहे हैं, गैप भी होता है बीच में, बहुत भीड़ होती है इसलिए थोड़ा सा घबराहट होती है भीड़ से। क्या मान्यता है आगे? मान्यता तो क्या, बाबा है वो, देव के देव है, महादेव, उनके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मांगे वो देते हैं। खिचड़ी चाहिए जी? क्या क्या करता है खिचड़ी में? जो खिचड़ी होती है, पैसे होते हैं, कुछ फल सब्जी, जो आपकी इच्छा हो, जितना आप चढ़ा सकते हो चढ़ाइए। कहाँ से आई? देवरिया। हमारा रुक्मिणी श्रीवास्तव। कितने वर्षों से आप मंदिर आए? हम तो 50 साल से। हाँ, यहाँ हमारा माता भी है, ससुराल भी है। मान्यता है यहाँ का? मान्यता ये है कि बाबा गोरखनाथ बाबा ज्वाला जी भेजी थी खिचड़ी मांगने के लिए, यहाँ खिचड़ी लेने। खिचड़ी चढ़ाया आपने? हाँ, खिचड़ी चढ़ाया आपने? हाँ चढ़ाया, हर साल चढ़ाते हैं। मैं गायत्री गौर देवरिया से आई हूँ, कई सालों से मैं हाथी रहती हूँ और मेले में अपना कर्म करता हूँ। बस कोशिश यही करती थी मेले में न जाऊँ, मेले के बाद ही जाऊँ, कम मिले, लेकिन ये भी सौभाग्य आज प्राप्त हुआ कि मेले का आज दर्शन हुआ। बस देखा गया कि कैसे लोग यहाँ पर भीड़ है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ की किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब लोग बहुत आराम से दर्शन कर रहे हैं। बस क्या मान्यता है माता जी यहाँ की? बहुत मान्यता है गोरखनाथ बाबा के लिए, कहा जाता है कि जब बहुत पहले ये एक मुट्ठी खिचड़ी लेके जब मिला था तो उसी से प्रसाद बनाया गया था गोरख खिचड़ी का, और सबको बंटवाया गया था, उसमें इतनी बरकत हुई खिचड़ी में कि पूरा गांव खा गया एक मुट्ठी खिचड़ी में, और वही प्रथा आज तक चली आ रही है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिद्धिविनायक सुपरमार्केट असरन चौक व जी बाबा राप्ती नगर में स्थित शॉप में सिस्टम को ऑनलाइन रिमोट से एक्सेस कर इनवॉइस बिल को चेंज करके ठगी करने वाले चार अभियुक्तों मनोज मोती रमानी, आकाश श्रीवास्तव, राजू विश्वकर्मा उर्फ गोरख और अमन चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त इंदल लोना को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर सपा के पूर्व मंत्री व एमएलसी चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी की अध्यक्षता में सपा के पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि, कहा जनेश्वर मिश्रा ने हमेशा किसानों और गरीबों के लिए किया था संघर्ष। बीएसए रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में चल रहे दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल लीडर्स कॉन्क्लेव का हुआ समापन, जनपद के सभी बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दक्ष बनाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर सिविल डिफेंस के द्वारा चेतना तिराहे पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, 50 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान, रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में भारतीय संस्कृत निधि इंटेक गोरखपुर अध्याय द्वारा खाना खजाना क्षेत्र के खाद्य विरासत पर पोस्टर तथा लेख प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, 12 विद्यालय के बच्चों ने किया प्रतिभाग, प्रतियोगिता में अपने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। और रविवार को हजारों की संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर चढ़ाए पवित्र आस्था की खिचड़ी, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, कहा गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद।
अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।